और यहाँ से केदारनाथ रुद्रनाथ का ट्रैक भी है यहाँ से चोपता। ठक ठक आवाज हो रही है। पत्थर पुत्थर भी गिरते ऊपर से, गिरते होंगे ना पत्थर पुत्थर भी। हाँ, हाँ, अगले साल वो सुना था अखबार में भी आया था वो। अगले साल रोड कुछ है नहीं तो अब मंदिर के बाद चल फिर ये खूबसूरत और मधुर आवाज आपके लिए नदी के द्वारा। इस नदी का क्या नाम है? कल्पगंगा। ये कल्पगंगा नदी देख सकते हो, फोर्स कितना ही तेज है लेकिन सुंदरता में कोई कमी नहीं है। और नदी की जो मधुर आवाज़ है वो आपको मिलेगी। ये बच्चे नहाते हुए बदमाशी करते हुए, और ये हमारी फियोना मैडम, और वो ड्रोन उड़ा रहे वो। वो खूबसूरत वाटरफॉल। तो ये जो खूबसूरती है ये आपके लिए बस एक महादेव की मंदिर के पास ही मिलेगी। हर हर महादेव। ये हमारा आज दिन का खाना, दाल आलू चावल और अचार। बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, सेहमानी बोल रही। चलिए हम फिनिश करके आपसे मिलते हैं। तो उर्गम से अब हमें कृष्णा भाई बहुत ही खतरनाक रास्तों से, ऐसे खतरनाक रास्तों से हिलते डुलते डुलाते डुलते पल्ला ले जा रहे हैं जहाँ पे हम थोड़ा कर सकेंगे हल्ला। और अभी से निकल रहा है वल्ला वल्ला, क्योंकि डर बहुत लग रहा है। रोड कुछ है नहीं, ये देखो गाड़ी में लग रही है ठोकर नीचे से, ईंट बहुत ही कील की तरह है। यहाँ खुद से ड्राइव ना करें, और वापस आ गए हम तो आपको बताएंगे कैसा था व्यू। ये कृष्णा भैया ना डरा रहे हैं बहुत जोर का, हमारा पहाड़ी का एडवेंचर हो रहा है, पहाड़ों का कुछ ज़्यादा ही। अपनी गाड़ी तो ना लाए, यहाँ पे बॉडी नहीं बचेगी, नीचे से पत्थर की खुदाई हो रही है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ऐसा लग रहा है रोड बनने वाला है बहुत जल्दी। लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ हरियाली का नज़ारा लें। और रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, हम खाना खा के निकले थे अंदर से उसका सूप बन गया है पेट में। तो ये डेंजरस व्यू है यहाँ का। यहाँ से बता रहे भैया कि यहाँ पे जेसीबी भी गिर चुकी है खुदाई करते टाइम, और बहुत सारी गाड़ियाँ गिर चुकी हैं खुदाई करते साइम रोड बनाते टाइम। और ये वो और रास्ता जा रहा है उधर, एक पल्ला गांव है। तो ये देख सकते हो आप वहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर भी है। अभी क्यों डाला गया, क्योंकि यहाँ पे जब खुदाई हो रही थी तो जेसीबी भी गिर चुकी खोदते खोदते, और देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रास्ता है। हम बहुत ही मुश्किल से गाड़ी से हमें कृष्णा भैया लेकर आए हैं, नीचे गाड़ी लग रही थी बॉडी में, मैंने आपको वहाँ पे भी दिखाया, और बहुत सारी गाड़ियाँ भी पलट चुकी हैं यहाँ पर। इसीलिए हम वहाँ पे इन लोगों ने हनुमान जी का एक मंदिर भी स्थापना की इष्ट देवता का, ताकि थोड़ा डेंजर कम हो सके। हम पल्ला गांव से भी 3-4 किलोमीटर नीचे, उधर पल्ला गांव है ऊपर में। तो ये पूरा व्यू पॉइंट है ये यहाँ पे। तो यहाँ भी आप आ सकते हो, कृष्णा भैया आपको लेकर आएंगे, बट ये बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर, बहुत ही ख़तरनाक है। आप देख सकते हो कितनी ख़तरनाक खाई है यहाँ पे। अगर आप गए तो गए, उड़ना आना चाहिए बस आपको, फिर आप बच सकते हो, नहीं तो पैराग्लाइडिंग की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से। बहुत ही डरावना सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है अभी गए तो अभी गए। बहुत ही ख़तरनाक रास्ता, और व्यू बहुत अच्छा है ऊपर आके, ये देखो 360 डिग्री व्यू। लेकिन रास्ता आप देखो कितना ही पतला है आगे ऊपर नीचे, कितना ही ज़्यादा पतला रास्ता है। तो ये देखो लोग कैसे चल चल के यहाँ से जा रहे हैं, रोड ख़राब है, और लोग बूढ़े बूढ़े लोग भी चल चल के जा रहे हैं इस रोड ख़राब में पैदल चल के। तो गांव के लोग कितने मेहनती होते हैं सोचो, कितना चल चल के इस रोड पे जा रहे हैं, इनको कितना देर हम चले तो थक जाते हैं। और हरियाली लेकिन बहुत मिलती है अच्छी है, देखो
बहुत ही सुंदर हरियाली, और गांव की औरतें भी इधर से ही लकड़ियाँ पत्थर ये सब तोड़ के ले जाते हैं। देखो ये कुछ पत्थर ऐसे टूटे पड़े भी उठा के ले जाते हैं वो। तो आप जैसे देख सकते हो, जैसे आंटी जी आ रही हैं उधर से, कैसे देखो गांव में चल के आ रहे हैं ऐसे रास्तों पे चल चल के पैदल। आंटी जी गाड़ियां नहीं चल रही यहाँ पे? तो आप पैदल आ रहे हैं? गाड़ी मिली नहीं तो। मिली नहीं है? अच्छा, कहाँ से हो आप, कौन से जगह से हो? ये दार। कौन सा? जखोला। जखोला से हो आप? अच्छा अच्छा अच्छा। और आप लोग कहाँ तक गए हो इधर? हम तो आगे पल्ला तक गए थे। हाँ। और वहाँ से रोड थोड़ा डेंजर लगी तो हम वापस आ गए हैं। हाँ, और हम ये आपकी वीडियो बना रहे हैं, आपको हम उस पे डालेंगे, क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे। अच्छा। हाँ, तो मतलब यहाँ की स्थिति क्या है वैसे? क्या है तो, मतलब ले जाने के लिए खाना पीना का संसाधन कहाँ से आता है यहाँ? जोशीमठ से आता। जोशीमठ से। अब जैसे अभी आप पैदल आ रहे तो आपको गाड़ी नहीं मिली, कभी मिल जाती आपको गाड़ी? कभी मिल जाती तो कोई बैठा था। हाँ। नहीं मिली तो पैदल ऐसे ही जाना, ऐसे ही जाना पड़ता। हाँ, होगा ना, ऐसे ही जाना पड़ता। जी जी जी। और शुभ नाम आपका? आपका शुभ नाम? मेरा नाम पवित्रा। तो क्या क्या हुआ है उस चीज के बारे में इनको बता दे। बोला पता नहीं क्या हुआ, पर पीछे पीछे आई बन गाड़ी, खिसक के गाड़ी आई। वो सुना था अखबार में भी आया था वो, अगले साल 12-13 आदमी खत्म हुए थे उसमें ना। बाहर के आदमी तो बहुत डरते हैं इधर। हाँ। चट्टान बहुत भारी नहीं है। पत्थर भी गिरते होंगे? पत्थर पत्थर भी गिरते ऊपर से गिरते होंगे ना, पत्थर पत्थर जो आगे जाके है वो। अच्छा अच्छा। और एक बार सुना था जिस पे वगैरह भी गिरी थी वहाँ पे ना? वो तो पहले की बार, पहले एक बार गिरते, पहले बार जब कटिंग नहीं हुई तब एक जवान लड़का गिरा उसमें। जवान लड़का था? दो तीन नेपाली। हाँ। और एक बार एक जवान लड़का। अच्छा अच्छा। पता नहीं कहाँ का था वो। अभी ये लोग तो इतने दूर से आए, हम तो ड्राइवर आदमी है, टैक्सी वाले हैं, ये लोग इतने दूर से आए हुए हैं, इनको यहाँ का ये लोग तो आप तो दिल्ली से, दिल्ली से हैं ये लोग ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये से इन्होंने सुना होगा यहाँ के बारे में कि अगर कि ये पल्ला पल्ला ऐसा वैसा है तो ये इस वजह से यहाँ देखने के लिए आए हैं। कल्पनाथ के मंदिर से आ रही है। हाँ नहीं, अब कल्पनाथ अब जाएंगे, इसके बाद हम कल्पनाथ जाएंगे। ये रोड हमने कहा कि एक बार देख लेते हैं इधर। हाँ। अब इतनी खतरनाक रोड है, पता नहीं यहाँ के ड्राइवर कैसे गाड़ी चला लेते हैं यहाँ पे। वही तो। हाँ, और इस वजह से ये भैया है, ये भैया यूट्यूबर जी है, ये मतलब इन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो भी खर्चा पर्चा होगा तुम्हारा, गाड़ी का जो भी नुकसान होगा मैं पेट करूंगा बोला, और आप हमें दिखा दो वहाँ पे, जहाँ तक होता है वहाँ तक दिखा दो हमें। अरे ये भैया काफी मेहनत करके यहाँ पे पहुँचे हैं, हमारे यूट्यूबर भैया जी, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आंटी आपका भी धन्यवाद, आपने जो भी बताया स्वास्थ्य के लिए आपको। ठीक है आंटी, नमस्ते आंटी जी। ओके, ये देखो ये रोड, ये देख रहे हो लग रही है गाड़ी खट खट, उतर जाए हम। देखो आवाज सुन रहे हो, ठक ठक आवाज हो रही है। कितना ही खतरनाक रोड है भाई, आवाज हो रही ठक ठक ऐसे करके जोर से। बहुत ही डेंजरस रास्ता है भाई मेरे यहाँ तो कोई नहीं आ सकता। ये देखो पूरा रास्ता, तो ये यहाँ का पंचधारा। तो ये पंचधारा है, मतलब पांच धाराएं, एक दो तीन चार पांच, ये पानी के लिए आप देख सकते हो। एकदम ठंडा पानी, हर हर महादेव। अच्छा, ओ ये है आईफोन ना।
कृष्णा भैया बताएंगे माँ की कहानी, गौरी माँ की कहानी। और यहाँ पे हमारे मेहमान यहाँ पे ये भैया लोग आ रखे हैं यूट्यूबर, और इनके साथ इनकी पूरी फैमिली आ रखी है, और इनका डॉगी है, और ये यहाँ पे घूमने के लिए आए। बोले कि भैया हमें हरियाली दिखा दो, तो मैंने कहा हरियाली तो अभी अब कुछ टाइम में हरियाली उत्पन्न होगी, तो ये अभी यहाँ पे आ रखे हैं हम ये देवग्राम में, और यहाँ पे ये मंदिर है गौरा माँ का, और गौरव माता का ससुराल और मायका है यहाँ पे स्थित, और यहाँ पे मेला भी होता है। भाई ने बताया कि कृष्णा भैया आप बताइए कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। मैंने बताया ये पूरा गांव, ये इस गांव में 12 गांव है, और ये इसका नाम उर्गम वैली है, और यहाँ पे काफ़ी देवी देवताओं का मंदिर भी है। ऊपर ये जो दिख रहा है टॉप में बंसी नारायण, और यहाँ से केदारनाथ रुद्रनाथ का ट्रैक भी है यहाँ से चोपता। और भैया अब इनको लेके जा रहे हैं हम गौरी माता का मंदिर, और ये सामने से आ रहे हैं आंटी जी और इनके साथ एक छोटा बच्चा। आंटी जी आप क्या करते हो यहाँ पे? काम करते हैं। ये किसका लड़का आपका लड़का है या किसी और का? और यहाँ पे कहाँ करते हैं आप काम? तीन लड़के हैं और काम का क्या करते हो यहाँ पे? मोहन लाला क्या ढूंगा फूटते हो वहाँ पे? अच्छा। और कितने टाइम हो गए आपको यहाँ पे काम करते हुए? 6 महीना हो गया आपको? 3 दिन हुआ है, अभी नए हुआ आप यहाँ पे? अच्छा। कैसा लग रहा है आपको यहाँ गांव में काम करते हुए? अच्छा नहीं, नेपाल में तो अच्छा है। नेपाल में अच्छा है, और यहाँ कुछ अच्छा ना? अच्छा राम राय नेशा है। और ये हमारे नेपाल से है, और नेपाल कौन से छौ? यो कौन था? हमियर तो सिंधुपाल छ, तर अब जन्मे को दिल्ली में। जन्मे को तो दिल्ली में जन्मे का म सीधा बहुत बार सारा दे, ये तो था छै न मलाई। मलाई खाली त्यो सिंधुपाल चक था छ, त्य आ गएको एक चोटी बा सँग। यहाँ किन बसेको? काम गर्न आएको। अनि फेरि फर्केर जाने? दसैँमा। हुन्छ दिदी, थ्याङ्क यू। राम्रै छ। और ये यहाँ पे आंटी जी के सुंदर सुंदर दो लड़कियाँ ये घास में जा रही हैं, और एक दूसरी वीडियो बना रही है, और एक अंदर घास में जा रहे हैं। वापिस आ जाओ, बस आ जाओ वापिस। अरे धान हरे हरे धान चोरा चोरी चने के खेत में। तो आप देख सकते हो उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, तो हर जगह मंदिर और मंदिर माँ देवी देवता हर जगह दिखेंगे आपको, इसलिए देवभूमि भी कहलाता है उत्तराखंड। कदम कदम पे मंदिर मिलेगा, और हर मंदिर को कैप्चर करना पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि हर जगह भगवान बसते हैं और माँ हैं। तो देखिए हम व्यू लाने की कोशिश तो कर रहा हूँ पूरी। पीले सरसों का खेत, जो ने आप DDLJ में देखते हो, वो सरसों का खेत है। ये भी सरसों ही है, पीला सरसों? पर ये सरसों नहीं है ना, ये तो फूल है। अच्छा ये फूल है, बाय मिस्टेक मुझे लगा ये सरसों का खेत है। पहले हम बैठूंगा लाइक दिस, और ये मेरा प्यारा सा बच्चा आ रहा है वादियों की सुंदरता में, मेरा प्यार मेरी फियोना। फियोनी आजा, फियोना फियोना भाई, फियोना फियोना को मिल गए नए दोस्त, नए दोस्त सुंदर दोस्त। अब फियोना इनके साथ खेल रही है, मजे कर रही है। आजा जी, प्लास्टिक का हट जैसा बना रखा है ये, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर सब्जी। अच्छा चिड़िया वगैरह ना। शोनू तो ये है वो मंदिर, देख सकते हैं। अभी ये बंद पड़ा हुआ है माँ का मंदिर जो हम आपको दिखा रहे थे,
तो हमने यहाँ भैया से अभी लेके मस्त चाउमीन, और पहली बार खाया हमने एग मोमोज। हमने पहले कभी एग मोमोज नहीं खाया था। ये देखो इस टेस्टी सा एग मोमोज, और सही में स्वाद था भैया का। और उर्गम में खा रहे हैं, बताओ दिल्ली से आके एग मोमोज खा रहे हैं यहाँ पर। समोसा एकदम फ्रेश, खाना फ्रेश। तो भैया के शॉप है, अगर आप उर्गम आते हो तो यहाँ भी खा सकते हो आके। और ये रहा, हाँ कृष्णा भैया वैसे बता देंगे, वैसे नाम भी लिखा है सनवाल जी फास्ट फूड। तो यहाँ मोमो चाउमीन सेंटर, नंबर भी है, नंबर में आकर दिल्ली में ऑर्डर कर सकते हो। ऐसे मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आके खाओ, पहाड़ों में फिर मजा आएगा। और ऐसे डांस